बेहतरीन ट्रीटमेंट आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि आखिर आईबीएस होता क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये क्या है, डॉक्टर इसको कब डायग्नोज करते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि जिन लोगों को बहुत टाइम तक पेट में गैस बनना, एसिडिटी रहना, हल्का फुल्का पेट में दर्द रहना, ये सारे सिम्टम्स जिन लोगों को बने रहते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लॉन्ग टाइम तक, बहुत सारे लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, या ऑल्टरनेट होता रहता है कि 2-4 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन, 2-4 दिन के लिए लूज मोशन। जब ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स जो है वो आपको एंटासिड दे दे के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। और जब इससे भी ये काबू नहीं आता तो आखिर में हार कर डॉक्टर जो है आपको आईबीएस डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको लाइफ टाइम होता रहेगा, इसकी आपको कॉन्टिन्यूसली जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईबीएस कुछ होता नहीं है, आईबीएस केवल और केवल डॉक्टर्स की नाकामयाबी है। डॉक्टर्स के पास जिस चीज का इलाज नहीं है उस चीज के पीछे वो लोग सिंड्रोम लगा देते हैं। सिंड्रोम लगाने से क्या होता है कि वो लाइलाज बीमारी बन जाती है, यानी उसका कॉज ही नहीं पता, उसका कारण ही नहीं पता कि आखिर ये बीमारी हुई क्यों है। लेकिन अगर हम अपने प्राचीन काल को देखें पहले के टाइम में कोई भी सिंड्रोम नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम में लोग जो है वो ऑटोमेटिकली अपने पेट को ठीक रखते थे। किस तरीके से वो लोग जो है इस आईबीएस को नेवल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते थे, धड़न के नाम से जानते थे। तो धड़न को अगर हम ठीक करेंगे तो आईबीएस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। अब समझने वाली बात यह है कि हम कैसे पहचाने कि हमको धड़न का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी नेवल चेक करनी है कि कहीं नेवल डिस्प्लेस तो नहीं है। अगर किसी कंडीशन में नेवल डिस्प्लेस होता है तो उसको सेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी नेवल सेट करने के तरीके को 2 दिन 4 दिन या 6 दिन करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या बनती है कि जब आपको बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तो ये 2-4 दिन में सेट होने वाली नहीं होती है। अगर आपको किसी भी चीज से थोड़ा सा भी बेनिफिट है तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आगे जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आज अगर 2% रिजल्ट है तो कल 4% भी होगा। सो ये चीजें थोड़ी सी कंटिन्यू करने वाली होती है। मैं आपको कोई क्विक रिलीफ वाली चीजें नहीं बताऊंगा आज कि आपको ट्रीटमेंट करते ही आपको आराम होगा या पहले दिन से ही आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ट्रीटमेंट जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जो आज मैं आपको ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ ये ट्रीटमेंट आईबीएस को या नेवल डिस्प्लेसमेंट को 100% ठीक करने में कारगर है। तो आइए देखते हैं कि आईबीएस को या नेवल डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो अपने किसी भी एक पैर को उठा के दूसरी तरफ अपोजिट साइड में रख देना है। अपोजिट साइड में रखने के बाद जो है इसको अपोजिट साइड में ही झुकाना है और शोल्डर नहीं उठना चाहिए। ये जो शोल्डर है अपोजिट साइड का शोल्डर नहीं उठना चाहिए। इन दोनों को जब आप करेंगे तो आपके बैक के ऊपर और स्टमक के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आएगा और ये प्रेशर आने से क्या होगा, आपकी नेवल जो है ये एक तरफ से प्रेस होगी। प्रेस होने पर ये सेंटर में आने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ से जो है इसको प्रेस करना है और 6 सेकंड के लिए रोकना है। इसके बाद दूसरे पैर को सेम, इसको भी अपोजिट करना है और शोल्डर को अपोजिट साइड प्रेस करना है। ये भी आपको 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। उसके बाद अगेन पुराना वाला, उसके बाद अगेन अपोजिट। ऐसा ये जो प्रोसेस है ये आपको कम से कम 3 बार दोहराना है और दिन में अगर आप इसको 2 से 3 बार कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे पेट में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको फील होने लगेंगे। पहले ट्रीटमेंट के बाद नहीं होंगे, हो सकता है पहले ट्रीटमेंट से होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब आप इसको 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस नजर आने लगेंगे। अगर आप मेडिसिंस यूज कर रहे हैं तो आज ही उनको यूज करना बंद कर दें। बहुत सारे लोग जो है वो तरह तरह की प्रॉब्लम बता देते हैं, आपकी हथेलियों में स्वेलिंग है, वो इस तरीके से डायग्नोज करते हैं जैसे वो जो है दूरबीन लेके बैठे हों और इंटेस्टाइन में घुस के उन्होंने देख लिया हो कि आंतड़ियों में स्वेलिंग आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो आपको चेक करने की जरूरत है कि कहीं हमारे ऑर्गन अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं हुए, कहीं हमारी नेवल जो है वो डिस्प्लेस तो नहीं हुई।
अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो ऐसी प्रॉब्लम को आम भाषा में धड़न का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इस धड़न की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये ट्रीटमेंट मैंने आपको अभी दिखाया है। इसके अलावा सेकेंड ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है कि दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के थोड़ा सा गैप दे दीजिए और वन बाय वन इसको डाउन करते जाना है। 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड और 6 सेकेंड। ये भी आपने तीन तीन बार करना है। इसका फायदा क्या होगा कि आपके पेट के जो मसल्स हैं वो मूव करेंगे और मूव करने के बाद में वो लूज होने लगेंगे, तो आपको आईबीएस का प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा। तो आईबीएस का ये बहुत ही अच्छा इलाज है, आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट 101% मिलने वाले हैं।